अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एस एन फारूक है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और कल के प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। एक और ट्रेड भी बनी थी रात को, मगर मैंने ट्रेड नहीं लगाई क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस अकाउंट को खासतौर पे जो मैंने पब्लिक के लिए बनाया है, आप लोगों को सामने इस अकाउंट को जो है मैं ग्रो करके दिखाऊँ और आप लोगों को ये चीज़ की यकीन दहानी करा सकूँ कि फॉरेक्स सबसे आसान चीज़ है। सिर्फ आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए, आपको किसी को फंड मैनेजमेंट के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं, किसी से सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ खुद अगर फोकस करें तो आप खुद से भी सीख सकते हैं इस चीज़ को। यही वजह है कल मैंने दो वीडियोस बनाई, उसमें मैंने आपको ट्रेंड लाइन लगाना भी थोड़ा बहुत सिखाया। मेन फोकस जो है मेरा हेजिंग की तरफ था कि हेजिंग किस तरीके से होती है। इंशाल्लाह मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन और इस तरह की जो चीज़ें उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा और अपलोड भी करूँगा। ओके, बात करेंगे गोल्ड की। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, ये गोल्ड ने ब्रेक की थी। जब हमने कहा था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक करेगी, गोल्ड मज़ीद बाय की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं तकरीबन 400 पिप की गोल्ड ने मूव दी। अगर आप मेरी कल की वीडियो देखें तो कल की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी। उसमें मैंने एक लेवल दिया था, ये वाला जहाँ पे मैं अभी लाइन लगा रहा हूँ, और मैंने आपको बताया भी था ये वाला कि अगर तो इस लेवल से ऊपर गोल्ड बंद होता है तो ये जाएगा 2000 की तरफ। मगर चांसेस ये हैं, कल की वीडियो देखिएगा, उसमें मैं बता भी रहा था कि मगर चांसेस ये हैं कि यहाँ से रिजेक्ट हो और मज़ीद नीचे की तरफ जाए। हुआ क्या, वहाँ से मेरी वीडियो अपलोड करने के कुछ ही लम्हों में जो है गोल्ड गिरना शुरू हो गया और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने उस पर प्रॉफिट लिया होगा। अच्छा, D1 पे मैंने आपको ये दो लेवल्स दिखाए हैं, सेलिंग के लिए ये वाला बहुत स्ट्रांग है, बाइंग के लिए ये वाला बहुत स्ट्रांग है। अगर गोल्ड ने फिलहाल इस एरिए में गोल्ड रहेगा, अगर गोल्ड ने बाय में जाना है तो वो 1915 1916 से ऊपर जो है D1 क्लोज होना चाहिए, तब वो आगे फर्दर 2002 तक जो है वो जा सकता है। सेलिंग के लिए इसको 1850 से नीचे D1 बंद होगा तो ये फिर प्रॉपर एक सेलिंग 1600 की जो होगी, 1600 की वहाँ पे जाएगा। फिलहाल ये यहीं पे रहेगा। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेन ट्रेंड क्या है। मेन ट्रेंड गोल्ड का बाइंग है, ठीक है। उसके बाद मैं H4 में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो चेक करता हूँ जहाँ से सेलिंग है, बाय हो सके। मेरा जो फेवरेट टाइम पेयर है गोल्ड के लिए, जिसपे मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ गोल्ड को ट्रेड करने में, वो M15 है और कभी कभार H1, मगर ज़्यादातर जो मैं पर्सनली जो ट्रेड करता हूँ वो M15 में करता हूँ। किसी भाई ने कल सवाल पूछा हुआ था ये, तो मैंने कहा उसका भी आपको जवाब दे दूँ। अच्छा, अब एक चीज़ तो हमारी तय हो गई कि गोल्ड ने इन लेवल्स के बीच में रहना है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि हमें सेलिंग कहाँ से करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले सेलिंग का एक अपना अच्छा लेवल देखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़बरदस्त एक जो है लेवल बना हुआ है, जो कि है 1889। आप देखें, मार्केट एक बार यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया, दो बार रिस्पेक्ट किया, मैं जूम करके दिखाता हूँ, तीसरी बार रिस्पेक्ट किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर रिस्पेक्ट किया और अभी मार्केट ऊपर है। तो मेरे ख्याल से कि अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल, तो गोल्ड आप आराम से सेल कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 1850 के लिए। मैं ये बाद में लिख भी दूंगा आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं बहुत आसान है यार, चार्ट को पढ़ना, ट्रेड करना बहुत आसान है, बच्चों का खेल है। सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, एक वक्त आएगा कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आंखें बंद करके आप जो है इस पे काम कर रहे हुए होंगे। अच्छा, दूसरा M15 पे अगर हम देखें तो जो हमारे लेवल्स इस वक्त बन रहे हैं वो हैं ये वाले। हाँ, मेरे हिसाब से गोल्ड जो है थोड़ा सा यहाँ से बाय में जाएगा और फिर गोल्ड यहाँ से इस एरिया को तोड़ेगा।
मैं जो है बाइंग अभी नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि एक मुझे थोड़ी सी मार्केट सेल में आ जाए ताकि मैं एक अच्छी पोजीशन से जो है वो बाय ले सकूँ, ताकि एक जब भी हम बिल्कुल लो से बाय करते हैं तो वो ट्रेड को आगे लेके जाना बहुत आसान होता है, मीन्स के लॉन्ग टर्म उसको लेना बहुत आसान होता है। मिड टर्म में अक्सर ये होता है कि आपने कोई ट्रेड ली होती है, होता क्या है कि अक्सर मार्केट रिट्रेस करती है, कुछ भी होता है तो वो आपकी ट्रेड को हिट कर देता है ब्रेक इवन ना। तो इस वजह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कम से कम मुझे इस एरिया पे अगर कोई बाय की ट्रेड मिल जाए 1850 से तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे 1889 के एरिया का टूटने का, जो कि यहाँ से 50 पिप्स नीचे है, और यहाँ से हम सेल करेंगे तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, 350 पॉइंट्स के लिए सेल करेंगे। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे D1 पे रिजेक्शन आने पे फिर हम दोबारा फर्दर 500 पॉइंट्स के लिए जो है बाय करेंगे। तो कुल मिला के ये लॉन्ग टर्म 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते में आपके 800 पिप्स जो है वो ये ट्रेड आपको दे सकती है। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, हाथों में खुजली हो रही है, कुछ ना कुछ लाजमी करना है, सब्र नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मगर इस ट्रेड की जो है मैं कोई वो नहीं कहता कि यार ये आप लो लो, ना लो तो बेहतर है, मगर फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो रह नहीं सकते ट्रेड के बगैर। तो अभी ये आएगा इस एरिया पे 1898 पे, वहाँ से आप जो है इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट आपको बताया हुआ है मैंने, ओके ये हो गया। अच्छा, जब आप यहाँ पे सेल करेंगे 1889 पे, जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो तकरीबन 1904, तकरीबन 150 to 160 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 400 पिप्स का होगा, ठीक है। फिर जब आप बाइंग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 100 पिप्स का होगा, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 500 पिप्स का होगा अराउंड। ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जो भाई बहने मेरी जो स्टॉप लॉस हंटिंग क्लब में आना चाहते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और मेरे नीचे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे मुझे सेंड कर दें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको फ़ौरन रिप्लाई मिले, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।